आप स्टार्ट कर दें। लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 है हमारा, जो इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा। कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 14 का। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी मार्केट हेज। हेज का मतलब क्या है, अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछूं तो? हाफिज़, क्या मतलब है हेज का? रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को क्या करना, मिटिगेट करना एज मच एज यू कैन। अब ये मनी मार्केट हेज का क्या मतलब होगा, अगर आपको अच्छे से याद हो लास्ट लेक्चर अगर आपने लिया हो तो मैंने वहां पे आपको पर्टिकुलरली, आपने लिया था लास्ट लेक्चर यूट्यूब पर बच्चे, तो उसमें पर्टिकुलरली मैंने क्या समझाया कि यहां पे हम दो कमोडिटीज की बात कर रहे होते हैं। हाफिज़, वो कमोडिटीज कौन सी होती हैं? करेंसीज। मैं पाक रुपीज की बात कर सकता हूं तो किसके साथ? डॉलर के साथ। ये मैंने उनके टिकर नेम लिख दिए, ये उनके सिंबल्स हैं, रुपीज और डॉलर। अब मनी मार्केट हेज का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, अगर आपने रुपीज से डॉलर को क्या करना हो, परचेज करना हो। इसका मतलब अगर आप रुपीज से डॉलर परचेज कर रहे हो तो आप डॉलर को सेल कर रहे हो अगेंस्ट रुपीज, यही है ना मतलब इसका, ऐसा ही है ना? तो यहां पे जो मनी मार्केट हेज है वो ये बताता है कि जब आपने रुपीज से डॉलर को खरीदना है या बेचना है तो वहां पे क्या आ सकती है, इन्फ्लेशन। मतलब क्या हुआ, अभी अगर मैंने एक डॉलर, क्या एक डॉलर बाय करना है तो मुझे कितने पैसे देने होंगे, 185 कर लेते हैं, तो मुझे 185 रुपीस पर देना होंगे तो एक डॉलर मुझे मिलेगा, ऐसा ही है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये 186 इंक्रीज होकर 187 पे चला जाए तो इसका मतलब पहले डॉलर में कम पैसों पे खरीद रहा था, अब डॉलर में ज्यादा पैसों पे खरीदूंगा, ये है इन्फ्लेशन। और इसको मनी मार्केट में क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी कहा जाता है। अब आप लोग जितने भी लोगों को, कोई छुट्टी मत कीजिएगा क्योंकि अब काम को जल्दी जल्दी खींचेंगे, फिर रिविजन भी करनी है और अगर वाइस वर्सा हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब ये चीज इंक्रीज भी हो सकती है तो डिक्रीज भी हो सकती है, अगर ये 184 पे चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का गिर जाना, तो ये प्राइसेस गिर गई है ना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मनी मार्केट हेज में क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी। यार वो YouTube पे लास्ट लेक्चर आया था, लिया था, एंजॉय करते रहे हो छुट्टियां, क्या करते रहे हो यार, आप लोगों के पास टाइम क्यों नहीं होता। चले ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, बस ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को नहीं भूलना। चलो यहीं से एक छोटा सा ना एक वो खेलते हैं, गेम खेलते हैं। सपोज करते हैं आप इम्पोर्टर हो। अब इम्पोर्टर कौन सा बंदा होता है, इम्पोर्टर कौन सा बंदा होता है, जो किसी दूसरी कंट्री से चीज को खरीदता है। सपोज करते हैं आपने यूएस से एक चीज को खरीदा तो आपको डॉलर पे करने पड़ने हैं। आपने यूएस वालों से खरीद ली, टेस्ला खरीद ली। अब यूएस वाले कहते हैं भाई साहब $70,000 की है ये, कितने की है, $70,000 की। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो $70,000 नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो 1 करोड़ 2 करोड़ की बात कर, अमीर आदमी हूँ मैं। वो कहता है नहीं भैया हमें तुम्हारा 1-2 करोड़ चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, $70,000 चाहिए। अगर तो तुम्हारे पास $70,000 है तो तब हमसे बात करो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने टेस्ला खरीदनी है, पाकिस्तान में मंगवानी है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपीज से डॉलर को खरीदना पड़ेगा, रुपीज से मुझे डॉलर को बाय करना पड़ेगा।
अब जब मैं रुपीज से डॉलर को बाय करूंगा, ठीक है, तो फिर मैं उसको 70,000 रुपये में कन्वर्ट करने के बाद टेस्ला को खरीद पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करते हैं अभी एक्सचेंज रेट 184 है। क्या है भाई 184? तो इसका मतलब अगर मैंने 70,000 डॉलर खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देना होंगे, कितने पैसे देना होंगे? 184 × 70,000। इन कॉन्सेप्ट को गौर से समझिएगा, नहीं तो मनी मार्केट है समझ नहीं आना। जरा कैलकुलेट करके दें। 1288 tetra 0, यानी कि 1,28,80,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा पाकिस्तानी। अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे मिलेंगे कहां से डॉलर? मैं बैंक के पास जाऊंगा। वो तो यार नहीं, ठीक है, ठीक है, 1,28,80,000, ठीक हो गया। अब मैं ये लूंगा कहां से, 70,000 डॉलर मिलेगा कहां से? मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को जाके मैं पूछूंगा, भाई साहब स्पॉट रेट क्या है, मैंने डॉलर खरीदने हैं, डॉलर की प्राइस क्या है? तो बैंक मुझे ये प्राइस बताता है। बैंक कहता है अगर अभी डॉलर खरीदने हैं तो 184, ठीक है, इसका मतलब बैंक डॉलर बेच रहा है, हम लोग डॉलर खरीद रहे हैं ना, तो बैंक बेच रहा है। मैंने क्या किया, 70,000 डॉलर खरीदे, मुझे टोटल बैंक को कितने पैसे देने पड़े? 1,28,80,000। मैंने 1,28,80,000 बैंक को दिया, 70,000 डॉलर जेब में डाले ऐसे गिन के, और मैं घर चला गया। क्या काम हो गया, मेरा टेस्ला मिल जाएगी, मुझे उसको डिपॉजिट करवाना है US के अकाउंट में, वो भी बैंक कर देगा, उसकी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ तक रहते हैं, ठीक है। उनको गाड़ी, उनको पैसे मिल गए, उन्होंने गाड़ी मुझे भिजवा दी। ये है इंपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर इसमें लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, लोकल करेंसी क्या हो जाए, तो इंपोर्टर को फायदा है या नुकसान है? कैसे कैसे कीमत बढ़ जाएगी, इसका मतलब 184 से ये 185 पे चली जाए, तो तब कितने पैसे देना होंगे? बस इन कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, ज्यादा देना होंगे ऑब्वियसली। 950 हो गया, तो तब हमें 1,29,50,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर ये अप्रिशिएट हो जाए, यहां पे तो ये डिप्रिशिएट हुई ना, अब अगर ये अप्रिशिएट हो जाए तब क्या होगा, किसको? इंपोर्टर को। अभी हम इंपोर्टर का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, अभी एक्सपोर्टर का पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। तो तब क्या होगा, तब ये 180 पे चली गई, तो 70,000 डॉलर्स मैंने पे करने, तो कीजिएगा भाई, 12.81, ठीक है, हाँ ठीक है, 1,28,10,000, हाँ 81 80 है, देखो 126, ठीक है, 1,60,00,000, ओ सॉरी 1,26,00,000, 1,26,00,000 रुपया तब मुझे देना पड़ेगा। यहां पे मुझे फायदा है, यहां पे मुझे नुकसान है, ऐसा ही है। और अगर एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर कब होंगे? सपोज करते हैं हम लोग यहां पे क्या बना रहे हैं जो पाकिस्तान जाता है, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर बना लेते हैं, जिसमें वो किट्स आती हैं, जर्सीज आती हैं, ये स्पोर्ट्स वेयर हम लोगों ने बना लिया। एक अमेरिकन कंपनी आई, वो कहती है जी हमें स्पोर्ट्स वेयर चाहिए, उनका टोटल बिल बन गया, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इंपोर्ट करेंगे या करेंगे एक्सपोर्ट, तो कौन सी करेंसी में हमने डील करनी होगी, डॉलर्स में, एक चीज। नंबर टू, सपोज करते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, एक गोरा मेरे पास आता है, वो आके कहता है भाई जान मुझे इतनी जर्सियां बना दे, मैं उसे कहता हूं भाई 80,00,000 रुपया तुम मुझे दे दो, 80,00,000 क्या दे दो, रुपया, सही हो गया। अब वो कहता है सर मेरे पास तो भाई जान 80,00,000 रुपया है नहीं है, मेरे पास तो डॉलर है, तो मैं कह यार मुझे तो 80,00,000 चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बैंक जाएगा, बैंक जाके पूछेगा भाई साहब 80,00,000 रुपया कितने का, कितने डॉलर दूं, तो 80,00,000 मुझे दोगे, तो वो यही वाले रेट यूज करना शुरू कर देगा, ऐसा ही होगा। या अगर गोरा पाकिस्तान ना आए, अपने अमेरिका में ही बैठा हो, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई साहब भाड़ में जाओ,
सीधा सीधा बैंक को फोन मारेगा, ठीक है, वो कहेगा मैंने इसके साथ डील ही नहीं करनी है। ये ऐसा जाहिल आदमी अपनी लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो आपसे डॉलर में इनवॉइस मांगेगा। किस में इनवॉइस मांगेगा? डॉलर में। हमेशा अपनी करेंसी में वो इनवॉइस मांगेगा, और उस इनवॉइस के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी इस 80 लाख को इन रेट्स के साथ डिवाइड करके, क्या करके, यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट वाले सिनेरियो में क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों? लोकल करेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, ये बात याद रखना। किसको भाई? क्योंकि हमने उसको डॉलर का रेट बताना है, डॉलर का बिल बना के देना है, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 180 के साथ। कीजिएगा यार जरा, 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 180, $44,444 वी हैव टू पे देम। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अब द थिंग इज, जैसे हमने FRA पढ़ा, उसमें हम फ्यूचर डील कर रहे होते हैं 3 महीने की, 4 महीने की। ये भी जो मैंने आप लोगों के सामने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ये कौन से हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट के हैं। कौन से हैं? स्पॉट के अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर अभी के अभी पेमेंट्स हो जाएं। लेकिन अगर सिनेरियो आ जाए ऐसे वाला, अगर सिनेरियो ऐसे वाला आ जाए, ऑन इन वैल्यू जरा गौर से देखिएगा। मिगुल फाइनेंस लिमिटेड हैज बीन ऑब्जर्विंग एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स रेलेवेंट टू पाकिस्तान। फिलहाल इंटरेस्ट रेट को भूल जाओ, बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। एंड USA, एक मिगुल फाइनेंस कंपनी है, वो USA के साथ डील करती रहती है और वो कड़ी नज़र रखती है एक्सचेंज रेट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इट हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम USA एट कॉस्ट $1 million पेबल इन 3 months टाइम। तो मिगुल फाइनेंस ने कुछ गुड्स खरीदे, तो मिगुल फाइनेंस क्या बन गई, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? बायर बन गई। बायर को हम क्या कहते हैं? इंपोर्टर। पेपर में सबसे पहले बैठ के इस चीज को हाईलाइट कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है, इसको पल्ले बांध लो, ये आना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना आया जो कल करवाऊंगा वो आएगा, हर हाल में आना है। इसने 8 से 10 नंबर की गेम होगी ये। अगर ये चैप्टर ठीक से हो गया, जैसे आपका चैप्टर 12 हो गया, चैप्टर 12 और चैप्टर 11 में से 12 नंबर पक्के हैं आपके, अभी आप पे डिपेंड करते हैं आप उसको कैसे लेते हो। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सिवाय एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्विट किया हुआ है, कौन से वाले? डिविडेंड यील्ड वाले। वो इस वजह से क्योंकि मैंने उसको रिविजन में दोबारा करवाना है, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं करूंगा, ये इंतहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वापस से अब हमने क्या करना है, इसको नोट कर लो जरा यार, फिर मैं इसको मिटाऊं और वो क्वेश्चन स्टार्ट करूं। क्वेश्चन इस तरह का आना है, इसी से मैं कॉन्सेप्ट निकाल के आपको समझाऊंगा, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। मैं भी बताने लगा हूँ आपको, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, थैंक्स टू यू, आपने लिया नहीं है। प्रा तू भी मौज करके आया है, ज़िया प्रा तू भी नहीं ले आएगा? आपने लिया था? नहीं, ये लिए पास भी नहीं था। नहीं नहीं, वो लिखने में हुआ, बाकी चल रहा है, उसको ज़रा जल्दी नोट कर लें, अभी मैं समझाने लगा हूँ ये भी चीज़ें। ये पूरी की पूरी मैं बस असाइनमेंट बना रहा हूँ, तकरीबन कोई 15 को क्वेश्चन बनाएंगे इसके, फिर मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, फिर ये आप लोगों को भेज दूंगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास आ गए हैं, क्वेश्चन ये है, तो पेपर से पहले जब रिविजन करनी है तो उन क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से कर लेना। परसों हम इसका जो पास पेपर में क्वेश्चन आया वो करेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। डॉलर और महंगा होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है पाकिस्तान में। पता नहीं, 186 है, अगर बिल्कुल वेले बैठे हो गए ना तो मैं आपको एक YouTube का लिंक भेजूंगा, कल मैंने वो सेशन ले रहा था, जूम सेशन, उसको गौर से सुनिएगा,
38 मिनट का है। सारी मैंने स्टॉक मार्केट को कवर किया था उसमें, उसमें मैंने नैसडेक को किया था, S&P को किया था, US 30 जो टॉप कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को किया था, बिटकॉइन को किया था, गोल्ड को किया था। क्योंकि कल मुझे बड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया था। नहीं यार वो फिर हो गया। कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर जाती हैं कि आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते इस तरह के रिस्क ले लेके। मुझे 10 साल हो गए ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए, स्टेबल लाइफ नहीं गुजार रहा ऐसी हरकतों की वजह से। हाँ फिर सीखने को नहीं मिलता यार। देखो पैसा नसीब का, अल्लाह ने अगर नसीब में रखा हुआ है तो आ जाएगा। हाँ हाँ एंड पे यही बचता है। चलें जी अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में से मैं 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको करवा दूंगा और वो हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे, इवन के जो ICAP ने बुक पे क्वेश्चन दिया उसमें भी वो यूज़ हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं दोबारा से। मिगुल फाइनेंस लिमिटेड हैज़ बीन ऑब्जर्विंग एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट रेलेवेंट टू पाकिस्तान एंड USA। इट हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम द USA एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन पेएबल इन 3 मंथ्स टाइम। ले जी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, कि जो मिगुल फाइनेंस है बेचारा वैसे ही मर गया, आइंदा से इसको निकाल देने अंदर से। लिमिटेड ये इंपोर्टर हो गया, एक चीज हम लोगों ने नोट कर ली, ये भाई साहब क्या हो गए इंपोर्टर। अब आपने पेपर में इस चीज को माइंड में रखना है, जब आपका बंदा इंपोर्टर है या बंदी इंपोर्टर है तो ये चीज को देखना है, डॉलर अप्रिशिएट हो, सॉरी लोकल करेंसी अप्रिशिएट हो तो आपको फायदा या नुकसान, या डेप्रिशिएट हो तो आपको फायदा या नुकसान है। क्लियर हुई मेरी बात? अभी जो कॉन्सेप्ट करवाए थे, और अगर आपकी लोकल करेंसी अप्रिशिएट हो गई, क्या हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, मिगुल को फायदा, और अगर डेप्रिशिएट हो गई तो इस भाई साहब को नुकसान। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, हम लोगों ने ये सोच लिया क्योंकि हम लोग इंपोर्टर बन गए। आगे चलते हैं जी, कितनी पेमेंट करनी है, $1,00,000 की पेमेंट करनी है। हम यहाँ पे 0 टाइम फ्रेम में खड़े हैं, अभी पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट कब करनी है? आज से 90 डेज के बाद, 3 मंथ्स के बाद। प्यारे भाई कितनी पेमेंट करनी है? $1 मिलियन की। ओके अगर मैं अभी मार्केट जाता हूँ, ठीक है अभी मार्केट जाता हूँ और जाके कहता हूँ भाई साहब मुझे डॉलर दे दो, मैंने पेमेंट करनी है, हो सकता है फ्यूचर में डॉलर का रेट बढ़ जाए, लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, इन फ्यूचर मुझे नुकसान होगा, तो मैं अभी से ही डॉलर खरीद के रख लेता हूँ, क्या ऐसा करना सही रहेगा मेरे लिए? डंप हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब 3 महीने के लिए हम उस पैसे को क्या करेंगे, अबेंडन कर देंगे, उसको यूज नहीं कर सकते, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। तो हम लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, याद है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने चीज पढ़ी थी, हम ऐसा वर्किंग कैपिटल या रनिंग कैपिटल बना ही नहीं सकते जिसमें हमारे जो स्टॉक्स हैं, जिसमें हमारे जो पैसे हैं, कैश एट बैंक हो, कैश इन हैंड हो, या लिक्विड एसेट्स हो, वो स्टक रहे कहीं पे। उससे क्या होएगा, हमारा कैश फ्लो, बेशक हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उससे हमें प्रॉफिट नहीं आ सकेगा। तो इसका मतलब हमने आज तो पैसे नहीं खरीदने, ये गलती नहीं करनी है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कहता है। पैसा खरीद के रख लिया, बाउंड कर लिया, क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है यही वाला पैसा जो इससे खरीदना है उसको अपने लोकल बैंक में डिपॉजिट करवा दो, और अगर लोकल बैंक में डिपॉजिट करवाओगे 3 महीने के लिए तो 13% रेट है डिपॉजिट का, तो 13% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी लॉस कहेंगे, कॉस्ट कहते हैं, लॉस नहीं कहते, कॉस्ट, कॉस्ट इटसेल्फ लॉस होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो इसका मतलब हम ये गलती नहीं करने वाले। नंबर 2 आगे चलते हैं जी। In order to maintain its profit margin, it wishes to adopt, if possible, a risk-free strategy. जहां पे risk-free strategy का मतलब आ गया, वहां पे एक ही मतलब को याद रखना है, और वो क्या होगा? Hedge. Risk-free strategy का मतलब क्या होगा प्यारे भाई? Hedge. क्या आपने hedge करना है ताकि आपका risk कम से कम हो।
In order to maintain its profit margin, it wishes to adopt, if possible, a risk-free strategy that will ensure that the cost of the goods is not more than 18 crore 60 lakhs. तो जो CFO Miguel ने क्या कहा CFO को आके कि भाई साहब 18 करोड़ 60 लाख तो उतने पेमेंट नहीं जानी चाहिए थी, तो जुतियां फेरनी है. ऐसा ही है, ये टारगेट दे दिया गया CFO को कि भाई जो हमने गुड्स खरीदने हैं, कितने के गुड्स खरीदे, 1 लाख $1 मिलियन के. जब हम इनको लोकल करेंसी में पे ऑफ कर रहे हो आफ्टर 3 मंथ्स, तो और बिल वॉन्ट बी एक्सीडेड दैट अमाउंट विच इज अराउंड 18 करोड़ 60 लाख. नहीं समझ आई ना मेरे प्यारे भाई? तू इसको डॉलर में डॉलर खरीदने के लिए लोकल पैसा देगा? देगा? वो लोकल करेंसी 18 करोड़ 60 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए. अब इस हिसाब से तूने पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स. क्लियर हो गई बात? ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इस वजह से करवा रहा हूँ कि आईकैप टेस्ट कर सकते हैं. इस दफा भी किया था. आगे चलते हैं जी. एक्सचेंज रेट फॉर $1, अभी का जो एक्सचेंज रेट है, स्पॉट रेट में 2 रेट दिए गए हैं, 181 और 182, 187, 187.6, 186.3 और 189. ये मतलब क्या हुआ इन रेट्स का? ये दो दो क्यों है और हमने कौन सा रेट लेना है? महंगे वाला रेट लेना है. क्यों? देखिए होता क्या है, अब आप बैंक हो, ठीक है, और मैं बायर हूं. मैं आपके पास आया, ठीक है, मैंने कहा बैंक मुझे ना $1 मिलियन चाहिए, ठीक है. आप मुझे कहते हो ये मेरा बाइंग रेट है, अगर तुमने मुझे डॉलर बेचना है तो मैं तुमसे 181 पे खरीदूंगी, और अगर तुमने मुझसे खरीदना है तो मैं 182 पे बेचूंगी ताकि 1 रुपया मेरा प्रॉफिट हो. सिंपल. आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हो, उसे अपना मोबाइल देते हो, भाई जाना बेचना है, रेट लाओ. वो कम रेट लगाएगा ज्यादा? कम लगाएगा. क्यों? ताकि ज्यादा में खुद बेचे और उसको प्रॉफिट हो. एक्सचेंजर भी यही करता है. ये 2 रेट इस वजह से होते हैं. ये एक्सचेंजर का बाइंग रेट है और ये एक्सचेंजर का सेलिंग रेट है. जो एक्सचेंजर का सेलिंग रेट होगा वो आप लोगों का क्या होगा? बाइंग रेट. और जो एक्सचेंजर का बाइंग रेट होगा वो आप लोगों का क्या होगा? सेलिंग रेट. ये बात हमेशा याद रखिएगा. सिनेरियो जैसा भी पेपर में आए उसके अकॉर्डिंग आपने ये रेट यूज करने हैं. तेरे भाई सही है? अगर अभी मैं मार्केट में गया और $1 मिलियन मैंने खरीदा क्योंकि मैंने गुड्स को पे करना है, तो मुझे कितना पैसा देना होगा अभी 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 यहां पे कितना पैसा देना होगा? 182 के हिसाब से. शाबाश. 182 स्पॉट रेट है. इसका मतलब हमारा स्पॉट वाला पंगा तो खत्म हो गया ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. 82 × 1 मिलियन, तो मुझे 18 करोड़ 20 लाख रुपया पे करना होगा. ऐसा ही है, लेकिन मुझे तो अभी पे नहीं करना ना, मुझे तो 3 महीने बाद पे करना है. तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, यार तेरे पास कोई FRA पड़ा हुआ है? बैंक कहता है भाई साहब FRA देखो, 2 FRA है मेरे पास, हमें कौन सा FRA चाहिए? 3 मंथ. यानी कि ये हमारे काम की नहीं है फिगर, इसको निकाल दिया. 3 मंथ FRA हमारे पास ये है. अरे बस कौन सा रेट लूंगा? हायर वाला नहीं कहना यार, ठीक है, कोई एक रेट बता देना मुझे. 189 रेट लूंगा. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बैंक हमें बेच रहा होगा. सही है ना? तो अगर मैंने 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो FRA मुझे कहता है 189. क्या मुझे FRA ले लेना चाहिए? हो सकता है. देखो यहां पे एक ना वर्ड लिखा हुआ है, हैज बीन ऑब्जर्विंग एक्सचेंज रेट. वो पिछले काफी सालों से अरसे से देखता आ रहा होगा और उसको यकीनन अगर वो ये FRA बाय करता है 189 के ऊपर, तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि पाकिस्तान के जैसे मुल्की हालात जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होने वाली है जिससे एक्सचेंज रेट भी डिप्रिशिएट होगा. ऐसा ही है. तो हो सकता है जब 3 महीने गुजरे तो ये 192 पे चला गया हो. अभी अभी इमरान खान को वो बाईपास कर दिया गया, गवर्नमेंट को उन्होंने जो भी गेम की, और उसके बाद अभी मुल्की हालात स्टेबल नहीं हो रहे हैं, हर जगह नारे लग रहे हैं. तो ये ऐसी वैसी बातें, इस वजह से अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है. तो 189 के ऊपर मैं इसको बाय कर सकता हूँ, लेकिन वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? FRA, जो हमने पहले पढ़ा. अली अब्बास ऐसे ही है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ, तो परेशान लग रहा है मुझे. इसी वजह से कहते हो रोज का काम रोज करते हैं, तो फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा. आगे चलते हैं जी. हाँ, ये बैंक की बाइंग प्राइस. हाँ, आप जाओ, आपको डिस्क्लोज कर देंगे.
इसमें कोई छुपाते हैं, छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप जाके कहते हो बैंक से भाई साहब मेरे पास $1,000 है, तो वो आपको रेट बता देगा 187, 182 या जो भी, वो उसकी बाइंग प्राइस होगी। अगर उसी से बेशक वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसे कोई यार मुझे वापस कर दो, तो वो कहेगा लो 181 पे लिया था, 182 दो। ये हर एक्सचेंजर का राइट होता है। आप कभी जैज कैश का ₹1,000 का वो करवाने गए हो, जैज कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र, ₹10 लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं? ये उसका अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जो कि उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या है, अगर आपने जैज़ कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो, वहाँ से जैज़ कैश में कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं कटेगा ना किसी को देने पड़ेंगे, सही है। ओके जी, इंटरेस्ट रेट रेलिवेंट टू म्यूचुअल फाइनेंस। अब ये इंटरेस्ट रेट का क्या काम है इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। शुड म्यूचुअल फाइनेंस लिमिटेड हेज इन फॉरवर्ड मार्केट और मनी मार्केट। तो भाई जो म्यूचुअल फाइनेंस है, क्या उसको फॉरवर्ड मार्केट में हेज करने की ज़रूरत है या उसको मनी मार्केट में हेज करने की ज़रूरत है? तो इस क्वेश्चन को दो ऑप्शंस में करना है आपने, दो स्नैरियो बना के करने हैं। नंबर वन, मैं स्नैरियो नंबर वन करने लगा हूँ ऑप्शन वन के नाम से, पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, टारगेट क्या है हमारा, हमारी टारगेट कॉस्ट क्या है, 18 करोड़ 60 लाख, बोलो ना यार, यही है 18 करोड़ 60 लाख, ये हमारी टारगेट प्राइस है। कहाँ पे लिखी हुई है टारगेट प्राइस, ये देखिएगा। हाँ, उसने CFO ने क्लियर कट उसको टारगेट दिया गया कि 18 करोड़ 60 लाख से ऊपर का सौदा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं FRA बाय करता हूँ तो रेट क्या मिल रहा है मुझे, 189। तो मुझे FRA कॉन्ट्रैक्ट में रेट मिलेगा 189 पर डॉलर। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट, टोटल पेएबल कितना बनेगा, टोटल पेएबल 189 × 1,000,000। तो ये 18 करोड़ 90 लाख रुपया बन गया। क्या फेवरेबल है? नहीं ना। क्यों फेवरेबल नहीं है? क्योंकि 60 लाख तक जाना 30 लाख ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन वन हमारे पास वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब अब हम चलते हैं ऑप्शन टू में, क्योंकि आपके पास लंबा पेपर होगा, आप नीचे लिख लीजिएगा ऑप्शन टू, और वो क्या है, मनी मार्केट हेज। अब गौर से समझिए, मनी मार्केट हेज में अगर आपने किसी कंपनी, किसी कंट्री में एसेट बनाया हो तो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी बनाते हैं। अभी जरा बस सुन लो, अभी बताने लगा हूं। अगर किसी कंट्री में आपकी लायबिलिटी बनी हो, क्या बनी हो, लायबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट हम क्या बनाते हैं, एसेट। ये बस गौर से, अगर किसी कंट्री में हमारी लायबिलिटी बनी हो, हम म्यूचुअल फाइनेंस है, 3 महीने के बाद $1,000,000 US को देना है, क्या लायबिलिटी बन गई? लायबिलिटी कहां पे बनी हुई है, US में। हम एक्सचेंज रेट के रोले से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, US में एक एसेट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, एसेट जनरेट करेंगे, जो इस लायबिलिटी के साथ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। मनी मार्केट हेज में क्या किया जाता है, अगर हमारी किसी कंट्री में लायबिलिटी बनी है, लायबिलिटी है ना US में $1,000,000 की, उसके अगेंस्ट हम एसेट जनरेट करेंगे US के अंदर ही, और वो हमें क्या करेगा, वो हमारी लायबिलिटी को 3 महीने के बाद खुद ब खुद सेट ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, खुद ब खुद सेट ऑफ कर देगा। अच्छा, एक मजे की बात, आप अमेरिका में ही रहते हो, आपने टेस्ला खरीद ली, क्या आपको पाकिस्तानी रुपए की परवाह होगी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की? क्यों? क्योंकि भाई ₹70,000 मेरी जेब में था, $70,000, उसी से जाके मैंने टेस्ला खरीद दी, मुझे क्या लगे एक्सचेंज रेट से। कभी आप लोगों ने पाकिस्तान में शॉपिंग करते हुए, जैसे कि आपने क्रिसेंट की फीस पे करनी हो, क्या आपको एक्सचेंज रेट की परवाह होती है? क्या कभी क्रिसेंट वालों ने कहा है भाई जान फीसें बढ़ा दी हैं, डॉलर ऊपर चला गया? अगर किसी दिन किसी बंदे ने कह दिया एफिशिएंसी मारते हुए, तो क्या करोगे आगे से? आप लोग अपने दिल में अच्छी अच्छी दुआएं दोगे उसको, और फिर कहोगे तू अमेरिका बैठा है, ऐसा ही है ना, दुआएं देने के बाद ऐसा ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज, जब हमारे एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज सेम कंट्री की करेंसी में ट्रेड ऑफ हो रहे हो, तो इसका मतलब हमें एक्सचेंज रेट की परवाह
दैट वुड बी नाउन एज मनी मार्केट हेज. इसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट हेज कहते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट रेट रेलेवेंट टू मिगुल फाइनेंस लिमिटेड, कि हमने क्या करना है, हमने अमेरिका में एक एसेट जनरेट करना है. उस एसेट जनरेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े काम की चीजें हैं. तो अब हम मनी मार्केट हेज में चलते हैं. सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी है. लायबिलिटी आफ्टर 3 month, $1 million. कोई एतराज इस पे किसी को? इसके अगेंस्ट हमने एसेट जनरेट करना है. ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है. अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं अगर आज ही, आज अभी इसी वक्त मैं अमेरिका के बैंक में $1 million जमा करवा दूं, 3 महीने बाद मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज का परवाह ही नहीं हूं, मैं अमेरिका में ही रहता हूं, वहीं पे मैंने जमा करवा दिया, 3 महीने बाद मैंने बैंक को कहा यार इसको पे कर देना, खुद मेरा इंटरेस्ट मुझे दे देना और 3 महीने बाद इसका $1 million पे कर देना, मुझे फायदा होगा, मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट भी कमा लिया और इसकी पेमेंट भी हो गई. अली बस दोबारा सुन, मैं अमेरिका में रहता हूँ, $1 million मैंने किसी बंदे को 3 महीने बाद देना है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास $1 लाख है, मैं अमीर आदमी हूँ, या $1 million है, मैंने $1 million को पकड़ा, बैंक में जमा करवा दिया 3 महीने के लिए, बैंक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना 3 महीने की, और 3 महीने बाद मैं बैंक को कहूँगा भाई साहब खुद ही $1 million उठाइएगा और एक्स वाई जी पार्टी है उसको पे कर दीजिएगा, तो क्या बैंक ऐसा करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना. तो इसका मतलब 3 महीने का मैंने इंटरेस्ट भी कमा लिया और 3 महीने बाद मेरी पेमेंट भी सेटल डाउन हो गई. तो क्या परवाह, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, मेरी तो इनवाइस बन चुकी, बेशक ऊपर जाए नीचे जाए, हु केयर्स. देखो ना, आपने सिंपल राइज क्रिसेंट में फीस पे की है, अब ये फीस बढ़ा दें आपको परवाह है? आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, पूरी फीस पे कर दी है, चल रही है ना, तो आपको परवाह होगी क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका हुआ, लॉ पास कर ली है ना माशाल्लाह. तो वहां से पता है ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या चीज होती है. तो फिर इसी तरह ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका. अब प्राइसेस जहां मर्जी जाए, वो 1 million की चीज 1.2 मिलियन पे चली जाए, इसको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. तो वापस हमने लायबिलिटी देनी है 3 महीने के बाद, लेकिन अब हमने एसेट बनाना है. और एसेट कैसे बनाना है, हमें आज कुछ पैसा कहां पे जमा करवाना पड़ेगा? अमेरिका के बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमें 3 महीने के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. ऐसा ही है, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे काम का होगा या 1 महीने वाला? यानी कि इसका मतलब ये ऊपर वाला सिर्फ आपको डराने के लिए है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. हमारा ताल्लुक ये 3 month वाले से है. अगर अभी जीरो डेट के ऊपर, किसके ऊपर, जीरो डेट के ऊपर हम अमेरिका में पैसा जमा करवाएं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%. कितना इंटरेस्ट मिलेगा? लेकिन हमें क्या पता कि आज कितना पैसा जमा करवाएं, 3 महीने के बाद वो $1 million बनेगा, हमारी पूरी की पूरी एसेट जनरेट होकर लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप वन, इसके साथ साथ ही मैं करता जाऊंगा. स्टेप वन में हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. प्रेजेंट लायबिलिटी कितनी है? अरे बात जरा गौर से समझ इस कॉन्सेप्ट को. मैंने 3 महीने बाद कितने पैसे लेने हैं? 1 million मुझे अमेरिकन बैंक देगा तो मैं अपने एक पार्टी को पे कर दूंगा, यही चाहता हूं मैं. लेकिन आज कितने जमा करवाऊं कि 3 महीने के बाद वो कितने बन जाएं? 1 million. स्टेप वन में हमने ये चीज को फाइंड आउट करना है, आज कितने पैसे जमा करवाऊं कि 3 महीने के बाद वो कितना बन जाए? 1 million. तो बेटा कैसे करूंगा, सिंपल 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूंगा. ये 3 month रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. कौन सा रेट है, डिपॉजिट करवाना है मैंने यूएस के बैंक में या बोरोइंग करनी है? डिपॉजिट करवाना है, शाबाश. हाँ, एडजस्ट हो जाए. देखो इसी तरह तो हेज कर सकते हो ना अपना पैसा, ताकि आपको एक्चुअली में कम पे करना पड़े, बाकी इंटरेस्ट जुड़ के साथ पे ऑफ हो जाए. तो गौर से देखो, 3 month का डिपॉजिट रेट ले लिया मैंने 8%. आज मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा. कैसे, 1 million into
वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो तो पर एनम होता है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे उनके साथ कुछ ना लिखा हुआ तो क्या मतलब होगा? पर एनम। इसको हमने कितने महीने का निकालना है? वो थ्री मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे ये हैं, समझ आई बात की? कंफ्यूज नहीं होना बेड पेपर पे बैठ के। कभी तीन महीने का 8% इंटरेस्ट हुआ है किसी बैंक का? तो मौज लग जाए, 8% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 12 8s क्या होते हैं? 84% एक साल में पैसे पूरे। भाईजान 1,00,000 रुपया पाया सी, 84,000 रुपया कमाया, तो पूरी दुनिया इसमें ना पैसा डालना शुरू कर दे। तो एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के डेट्स हैं, मेच्योरिटी डेट्स हैं। क्या हैं? हाँ, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहे हैं वो होंगे पर एनम, लेकिन आपने उनको अपने मेच्योरिटी के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हुई मेरे प्यारे भाई बात? जरा करीजिएगा। 8% को हम क्या करेंगे? जैसे ऐसे 8% इंटू 3/12, ताकि हमारे पास 3 महीने का निकल सके। कितना आएगा? 0.02, 2% आ जाएगा 0.02 की, और यहां पे क्या कर दिया? -1। याद है ना मैंने करवाया हुआ ये? ठीक है, तो जरा करो, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी भाई? हाँ, 80,000। ले भाई साहब, हमें क्या करना है? हमें आज की डेट पे, इस डेट के ऊपर 980,392 वी हैव टू डिपॉजिट इन अमेरिकाज बैंक। मेरे भाई क्लियर हुई? ताकि 3 महीने में इसमें सूद के पैसे पड़ पड़ के 3 महीने बाद वो कितना बन जाए? 1,000,000। प्रिंसिपल कितनी है इसमें? ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना, और बाकी की जो होगी वो क्या होगा यार? वो कितना होगा जरा मुझे कर देना रफ सा, 1,000,000 माइनस ये कर देना, कोई 19 समथिंग बनता है, $19,608 ये इंटरेस्ट होगा। ये मैं कमाऊंगा 3 महीने में और क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद मेरे अकाउंट में आएंगे, मैं चेक काट के दे दूंगा, वो जो मेरी कंपनी जिससे मैंने बाय किया वो खुद ब खुद विड्रॉ करवा लेगी, मुझे फायदा हो गया। ये अभी ये लिखना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ समझाने के लिए। पेपर में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए। ओके जी, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2, इस लेक्चर को ना मैं YouTube पे भी दे दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि अगर रिविजन करनी पड़े, वैसे भी ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज भी करवाना है। ओके जी, स्टेप 2, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। मेरे पास तो डॉलर हैं, कहाँ हैं? अभी तो सिर्फ हिसाबी किताबी बातें हो रही हैं, डॉलर कहाँ है मेरे पास? डॉलर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा अपने बैंक के पास। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? 0 डेट पे। बैंक मुझे डॉलर दो, ऐसा ही है। बैंक क्या रेट लगाएगा? स्पॉट रेट कौन सा? 182। शाबाश। तो अब क्या मुझे करना है? मुझे बैंक के पास जाना है और मुझे प्रिंसिपल अमाउंट इन लोकल करेंसी में कन्वर्ट करनी है। 980,392 × 182। जरा कीजिएगा भाई साहब, ये डॉलर्स हैं, ये स्पॉट रेट है आज का, 0 डेट का, वो हमें यहीं से मिल गया हुआ है, इस एरिया से मिल गया हुआ है। 17 करोड़ इसको रुपीज में करना है, 17,84,31,344 मैंने पे करने हैं आज ही, मैंने क्या कर देने हैं? बैंक को पे करने हैं। एक और मजे की बात, ये पैसे तो मेरे पास है नहीं, पैसे मेरे पास कब आने हैं? 3 महीने के बाद ही पैसे आएंगे, 3 महीने के बाद ही मैं पे करूंगा, नहीं तो अगर मेरे पास पैसे होते मैं आज ही पे करके ना मशीन छुड़वा लेता। देखा, बेकारी लोग हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है हमारे पास, 3 महीने बाद आना जो भी आना। दोबारा सुनो, मुझे आज 17,84,31,344 रुपए आज बैंक में जमा करवाऊं,
मैं अपने बैंक के पास जाऊं, जाके मैं डॉलर खरीदूं, 9,80,392 डॉलर खरीदूं, डॉलर खरीद के अमेरिका के बैंक में डिपॉजिट करवाऊं, अमेरिका का बैंक मुझे 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा 3 महीने के लिए, और आफ्टर 3 मंथ $1 million का मेरा एसेट जनरेट हो जाएगा जो कि मेरी इस लाइबिलिटी के साथ सेटअप हो जाएगा। ऐसे ही था। तो मैंने रिवर्सल क्या किया, मैंने 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ली 8% के साथ, ठीक है, उस प्रेजेंट वैल्यू को मैंने स्पॉट रेट के साथ किया, और 17,84,31,344 रुपए मेरा आज का आ गया जो बिल मैंने पे करना है, लेकिन मेरे पास वो पैसे है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने लोकल बैंक के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा, लोकल बैंक के पास। ये इधर जाते हैं सारे भाई बच्चे, इधर देखते हैं, लोकल बैंक के पास जाऊंगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुझे लोन चाहिए, तो पाकिस्तान का बैंक कौन सा रेट लगाएगा, शाबाश, 3 मंथ का बोरोइंग रेट 16% के हिसाब से। अरे भाई सही है, पक्की बात है। तो मैं बैंक के पास गया, स्टेप 3। फतेह बेटे समझ आ रही है, हार्ड टू डाइजेस्ट, ऐसा ही है क्योंकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी वजह से कहता था छुट्टियां ना किया करें। इसको मैं कल दोबारा रिपीट करवा दूंगा, कल मैंने खत्म करना था, मैं कल खत्म नहीं कर रहा इसको, ठीक है। दोबारा जी, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई लोकल करेंसी में 17 करोड़ रुपया। अरे ये बात सही है, लेकिन 17 करोड़ साढ़े को है नहीं, असं बैंक को जाने, बैंक को कहने भाई जान लोन दो, बैंक सानू लोन दे देता है, ठीक है। वी गॉट द लोन फ्रॉम द बैंक बाय 16%, 16% के ऊपर लोन दे दिया। अब ये 16% आज का रेट है, ऐसा ही है ना, मुझे 3 महीने उसको पे ऑफ करना है, करना या नहीं करना, तो इसका मतलब आफ्टर 3 मंथ कितने पैसे मेरे बनेंगे। कैसे करूंगा, मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या है भाई, 17,84,31,344 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%, ऐसा ही है, मैं यहां पे कर देता हूं 16% इंटू 3/12, 4%, 0.04, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू तो पक्का हो गया ना, कि आज से 3 महीने के बाद जब हम 4% के हिसाब से उसको लोन इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो एक्चुअली कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जमा करके कर रहे होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। जी बेटे भाई साहब, 5,97,000। ले जी, कहानी खत्म हुई, अल्लाह अल्लाह करके क्वेश्चन खत्म हुआ। दोबारा मैं इसको रिपीट करने लगा पूरे के पूरे क्वेश्चन को। हमें आज से 1-3 महीने के बाद $1 million का लाइबिलिटी पे करना है, ऐसा ही ऑफिस, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे 3 महीने बाद आएंगे, मैं आज खड़ा हूँ, मैंने मनी मार्केट को हेज करना है ताकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ज़्यादा ना हो जाए, क्लियर है, क्योंकि मुझे डर है कि डेप्रिशिएट हो सकती है करेंसी, ये डर मुझे बैठ गया मेरे दिमाग में। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है आपने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पे स्टेप 4 करवाता हूँ, स्टेप लिखने नहीं है लेकिन ऐसे ही हेडिंग्स बना के सॉल्व करते जाना है, ठीक है। लिख भी लोगे तो एग्जामिनर को इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए। ओके जी, अब उसके बाद मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा मेरे भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, अगर मैं एक एसेट जनरेट करूं, कहां पे एसेट जनरेट करूं, अमेरिका में, तो मुझे मनी मार्केट हेज, मुझे एक्सचेंज रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली में। तो मैंने इस एसेट को जनरेट करने के लिए क्या करना है, अमेरिका के बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, ऐसे ही है, पैसे जमा करवाने हैं, 3 महीने बाद वो पैसे क्या बन जाएंगे, $9,80,392 जमा करवाऊंगा, 3 महीने के बाद इंटरेस्ट डल के वो $1 million बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बैंक मेरी पार्टी को पे करके खत्म हो जाएगा। सो द ऐसे ही था, मैंने 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, किस रेट के साथ निकाल ली, उस रेट के साथ जो डिपॉजिट रेट है अमेरिका के बैंक का 3 महीने वाला, उसके साथ मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ गई 9,80,392। अब मैंने क्या किया, मैं जीरो पे इसको ले आया, जीरो पे ही है ना, 3 महीने पे चले गया, मैंने अपने लोकल करेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, और लोकल करेंसी कितनी है, 182 के हिसाब से हमें मिल रही है, एक्सचेंजर के पास जाते हैं, 182 के हिसाब से वो हमें पैसे दे रहा है, ऐसा ही है।
तो मैंने क्या किया स्टेप टू में, जो 9,80,392 निकला मैंने 182 रुपीज़ से उसको मल्टीप्लाई किया, 17,84,31,344 रुपीज़ आई हैव टू पे अभी के अभी। लेकिन मेरे पास तो ये भी पैसे नहीं है। अगर अभी मैं अमेरिकन बैंक में इतने पैसे जमा करवा देता हूँ ना ख़रीदने के बाद डॉलर को, तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली 1 मिलियन बन जाएगा। बनाना मैंने 1 मिलियन है 3 महीने के बाद। लो जी मेरे पास पैसे ये भी नहीं है। फिर मैं अपने लोकल बैंक के पास गया, मैंने लोकल बैंक को कहा बैंक यार मुझे ना लोन चाहिए। बैंक कहता है कितना लोन चाहिए? मैंने कहा यार मुझे 17,84,31,344 रुपये का लोन चाहिए। बैंक कहता है तू हमारा भाई है, मसला ही कोई नहीं है, सही है ना तेरे पास। लेकिन बैंक कहता है यार तू भाई तो है, ठीक है भाई अलग अलग साइड पे रख, कारोबार में कोई भाई बहन नहीं होते, रिश्तेदारी कारोबार में नहीं होती। 16% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। वो कहाँ से मैंने लिया, वो मैंने इस ब्रैकेट 16% बोरिंग इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ से टिकअप किया। करने के बाद मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू निकाल ली कि भाई बैंक 3 महीने के बाद मैं तुम्हें कितना इंटरेस्ट पे करूंगा मुझे ये बता। तो बैंक कहता है यार इस अमाउंट के ऊपर ना 3 महीने में ऐड कर ले इंटरेस्ट को और ये अमाउंट तुमने मुझे पे कर देनी है। वैसे इसमें से इसको माइनस करें ज़रा, तो 3 महीने में इंटरेस्ट कितना पे करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल इन 3 मंथ्स 17 करोड़ में से 18,55,00,000 वाला ये सारा माइनस कर दें, ये तकरीबन 1 करोड़ समथिंग बनेगा। सेवन 1,37,4,253 नहीं है बस, ठीक है 71,37,253 रुपए ये मैंने इंटरेस्ट 3 महीने में पे करना है। माइनस वन नहीं यार, वो बैंक में लिखते हैं ना चेक काटते वक्त, वो है माइनस वन नहीं है यार, ठीक है ये माइनस वन नहीं है ऑनलाइन वालों। क्लियर हुई बात? इस अमाउंट का लोन लेंगे, ये अमाउंट पे करेंगे, जब इनको दोनों जो जमा करेंगे 18,55,00,000 रुपया। आज मैं 18,55,00,000 रुपये को जमा करवाऊंगा, आज मैं 18,55,00,000 को जमा करवाऊंगा या 17,84,00,000 को अमेरिकन बैंक में जमा करवाऊंगा, जरा मुझे कोई बताएगा? आज मैं 18,55,00,000 अमेरिकन बैंक में जमा करवाऊंगा या 17,84,00,000? शाबाश, प्रेजेंट वैल्यू को जमा करवाना है 17 करोड़। ये तो मेरी लोकल लायबिलिटी है, ये तो मैंने लोकल बैंक को पे करना है ना यार 3 महीने में। ये मैंने अमेरिकन बैंक को जमा करवाया, वो खुद ब खुद 1 मिलियन डॉलर का बन गया और पे हो गया। अब मुझे एक्सचेंज रेट का रोला खत्म। मैंने एक्चुअली में 3 महीने के बाद 71,37,253 अपने लोकल बैंक को पे करना है, 17,84,31,344 भी लोकल बैंक को पे करना है और मेरे पास मशीन ने आ जाना है। एक्चुअली में मेरा टारगेट क्या था, टारगेट था 18,60,00,000 से ऊपर अमाउंट नहीं जानी चाहिए। तो एक्चुअली में मैंने ये मशीन कितने की खरीदी, 18,55,00,000। क्या मैंने टारगेट अचीव किया? क्योंकि 18,60,00,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, तो इसका मतलब मेरा टारगेट अचीव हो गया। स्टेप फोर, मैं स्टेप फोर यहां लिख रहा हूं, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक्चुअली में मैंने जो 1 मिलियन डॉलर 3 महीने के बाद पे किया, मैंने कितने का उसको खरीदना था या कितने का खरीदा गया इस सारे प्रोसेस करने के बाद। तो कैसे करेंगे, कितने पेमेंट की मैंने टोटल, 18,55,68,597, ठीक है। मशीन की वैल्यू क्या है या गुड्स की वैल्यू क्या है, 1 मिलियन डॉलर्स, ये रुपीज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करता हूं तो एक्सचेंज रेट क्या आता है मेरे पास, भाई करो ना, 185.6 रुपीज, यही आता है ना। ये लेवल नहीं कर गया, लेवल कर गया ना। 1 मंथ एफआरए भी कम ज्यादा था, 3 मंथ एफआरए भी ज्यादा था, ये तो इनके दोनों के दरमियान में ले आया। तो इसका मतलब एक्चुअली में एक्सचेंज रेट बढ़े, कितना बड़ा उसके नजदीक, उसके नजदीक सिर्फ 185 पे उसने ब्रेक लगवाई, लेकिन एफआरए देखो जरा उससे भी ज्यादा के थे। इसका मतलब ऑप्शन 2 सबसे बेटर रही उसके लिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हुआ।
ये चार स्टेप्स में करना है, बल्कि पांच स्टेप में ये बन रहा है। फर्स्ट स्टेप ऑप्शन वन वाला, ये वाला फर्स्ट स्टेप है जिसको हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि एफ आर ए रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से आपने पेपर में करना स्टार्ट करना है, ये वाला सारा, ये 3, 4, 5, इसको नोट करें। जी, लेकिन इसको शामिल तो करेंगे ना, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट का ये पार्ट बनता है। हम इस मशीन के लिए इसको कर रहे हैं तो ये उसका पार्ट बनेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई ना, ठीक है, ये उसका पार्ट है। आप सब नोट करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन भी करते हैं। आप लोग आराम से नोट करें। अभी नोट नहीं करे? ऑनलाइन वाले देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। 4.2 जो है ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने भी खुद करना है, ये मैं भेज दूंगा आपको। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, पहले आप लोग आराम से नोट कर लें, फिर आते हैं। हो गया, अली पास कितना रह गया? अरे तो जो YouTube पे इसको देख रहे हैं वो इसको 1.5x करके कर लें या 2x कर लेंगे आगे करना है। यार ये प्रेजेंटेशन बकवास नहीं है, है ना? सही है, हमारे पास ये रूम भी तो छोटा है ना, ये वो वाला, वो जो मुझे मिलता है व्हाइट बोर्ड का, ये वाला सारा व्हाइट बोर्ड हैमिंग इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है। चल भाई ऑफिस, ये क्वेश्चन करना है तूने, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई यू के कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $100,000 इन 3 months टाइम। अच्छा जी, ये कोई नया सीन आ गया, हो गया, मैं इसको मिटा सकता हूँ ना आराम से, वैसे भी मैं इसको YouTube पे डलवा दूंगा इंशाल्लाह। वो जो मैंने असाइनमेंट है उसमें होमवर्क है वो आप लोगों ने खुद करना है, वो मैंने नहीं करवाना। चलें जी, यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $800,000 इन 3 months टाइम। अब देखो यहाँ पे पेपर में फ़ौरन ये पढ़ के रुक जाना, क्या हो आप? यूके कंपनी है, एक्सपेक्ट्स टू रिसीव है, इसका मतलब ये भाई साहब कौन, क्या हुए, क्या हुए,
शाबाश, एक्सपोर्टर हुए। अब अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो तो एक्सपोर्टर को फायदा या नुकसान? फायदा। और अगर एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाए तो एक्सपोर्टर को नुकसान। दोबारा देख, एप्रिशिएट में नुकसान। देख जरा, अभी एक्सचेंज रेट है 180, तूने $1,00,000 लेना है बाहर से, कितने पैसे मिलेंगे तुझे? 1,80,00,000। अब तेरा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया, 183 पे चला गया, $1,00,000 लेना है, कितना हो गया? 1,83,00,000। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मेरे प्यारे भाई? फायदा हुआ ना, एक्सपोर्टर को फायदा हुआ, ऐसा ही है। तो जब लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो एक्सपोर्टर को फायदा, और अगर लोकल करेंसी अप्रिशिएट हुई तो एक्सपोर्टर को पक्की बात है, ऐसा ही है। अब देखिएगा, अ यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $800,000 इन 3 months। इसका मतलब हम यहां पे खड़े हैं 3 months के बाद, आफ्टर 3 months हमें कितने पैसे मिलने हैं? $800,000 मिलने हैं हमें। हम यहां पे खड़े हैं, आज नहीं मिल रहे, कब मिल रहे हैं? 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। और ये हमारा एसेट है, ये एसेट है ना, ऐसे ही। अब क्या है जी, इट वॉन्ट्स टू हेज दिस एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क यूजिंग अ मनी मार्केट हेज। उसने क्लियर कट बता दिया, रिक्वायरमेंट ही दे दी उसने कि मनी मार्केट हेज के मुताबिक हम अपने रिस्क को मिटिगेट करेंगे। ठीक है जी, हमें क्लियर कट पता है, अगर हमारा एसेट है तो उसके अगेंस्ट हम क्या बनाएंगे यूएस में? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे बनती है? एसेट बनाना था तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, लाइबिलिटी बनानी है तो शाबाश, एसेट बनाना था तो हमने डिपॉजिट किया था पिछले क्वेश्चन में, लाइबिलिटी बनानी हो तो क्या करेंगे? पक्की बात है, ये बिल्कुल उससे उलट क्वेश्चन है। आगे जी, ओ अगर ये काट लिए किसी को तो स्पॉट 3 month इंटरेस्ट रेट करंटली अवेलेबल इन मनी मार्केट, यूएस डॉलर का डिपॉजिट रेट कितना है? अच्छा देखो, इसने खुद ऊपर दे दिया 3 month का, मैंने ब्रैकेट्स बनाई थी ना, 3 कॉलम बनाए थे आपको समझाने के लिए, 1 month और 3 month। ठीक है, इसने आसान करके दे दिया, पीछे वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था, ट्रिकी था। तो 3 month का इंटरेस्ट रेट है करंटली अवेलेबल इन मनी मार्केट, तो यूएस डॉलर कितना है? अगर डिपॉजिट करवाया तो, और अगर बोरिंग की तो, हमारे लिए कौन सा रेट है? शाबाश, क्योंकि हमने क्या करनी है? लायबिलिटी जनरेट करनी है। इस कॉन्सेप्ट ने, इस एसेट के अगेंस्ट जब हम लायबिलिटी जनरेट करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट में हमें बता दिया कि 4.125 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक किससे है? 4.25% से। ब्रिटिश पाउंड कितना है इंटरेस्ट रेट उसका? अगर डिपॉजिट करवाएं 6.5 है, और बोरिंग करें तो 6.625 है। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड से हमारा कोई ताल्लुक होगा क्या? क्योंकि हम ब्रिटेन कंपनी है ना, पाकिस्तानी तो है नहीं, अब तो ब्रिटेन का देखेंगे सौदा। द स्पॉट एक्सचेंज रेट यूएस टू 1 ब्रिटिश पाउंड इज 1.7770 और 1.7780। कौन सा रेट लेंगे स्पॉट का? क्यों 1.7780 क्यों लेंगे? फिर इसको ना स्क्रोल अप कर देता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को ज्यादा अच्छे से नजर आ सके। ये वाला रेट क्यों लेंगे प्यारे भाई? चलो पहले क्वेश्चन को मैं सीधा पदरा करके दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ, हमारी बाइंग है, हमें वो महंगा ही मिलेगा, बैंकर हमेशा महंगा बेचेगा। अब मैं इसको क्वेश्चन को सीधा करने लगा हूँ। एक एसेट है जो हमें 3 महीने के बाद मिलना है, ऐसा ही है, हम उसके अगेंस्ट क्या जनरेट करने जा रहे हैं? लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो 3 महीने के बाद कितनी बन जाए? $800,000 की। ऐसी लायबिलिटी जो 3 महीने के बाद $800,000 की बने, ऐसा ही है। आज इस लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? आज इस लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है
8 लाख डॉलर। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा यूज करूंगा? क्यों जी, बोरिंग करनी है ना हमने? कहाँ से बोरिंग करनी है? अली बात, मुझे डर लग रहा है तुझसे। है मासूम इंसान, कहाँ पे बोरिंग करनी है? हम यूके से बोरो, यूएस से बोरो करेंगे, ऐसा ही है ना बाबा? बात देख, हमारा एसेट कहाँ पे पड़ा हुआ है प्यारे बच्चे? यूएस में हमारा एसेट कहाँ पे पड़ा है? तो हम एक्सचेंज रेट एक्सपोजर को खत्म करने के लिए यूएस में ही लायबिलिटी जनरेट कर देंगे। तो हम यूएस के बैंक से लोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। कितना लोन लेंगे कि जो 3 महीने के बाद कितना बन जाए? 8 लाख का। तो वो लोन कम होगा ना, थोड़ा सा 8 लाख से कम होगा ना, ताकि इंटरेस्ट पढ़ पढ़ के वो 8 लाख का बने। तो वो कितना कम होगा, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लोन की रेट क्या मिल रहा है हमें? 4.25। तो हम क्या करेंगे, 4.25 को 3 महीने का रेट निकाल लेंगे। हाँ नहीं नहीं मेरी जान, ये एनमी है, ये बात याद रखना, ये पर एनमी है, ये धोखेबाजी है, ठीक है? ये क्या है? धोखेबाजी है हमेशा। ये पर एनमी दिए हुए उन्होंने। क्लियर हुई मेरी बात? तो हम 3 महीने का रेट निकालेंगे। चले भाई जी। भाई 1.0625%। तो इसका मतलब 0.01 0625 आ गया, -1। जी कीजिएगा सर। बेटा इसकी समझ आई है? प्यारे भाई समझ आई है इसकी? पक्की बात है ना? 791589 डॉलर्स। वाह जी वाह। इसका मतलब अभी मैं अगर अभी 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 यहां पे खड़े होके 791589 डॉलर अमेरिकन बैंक से कर्जा ले लूं, क्या ले लूं? कर्जा ले लूं, तो 3 महीने बाद जब ये कर्जे को चुकाऊंगा तो वो कितना हो चुका होगा? 8। तो मैं अपने ग्राहक से कहूंगा, ये मेरा ग्राहक है ना जिसने मुझे 8 लाख डॉलर देने हैं, मैं कहूंगा तू मिनू ना कल, तो किन्नू दे दे? बैंक नू दे दे, ठीक है? क्योंकि ये लायबिलिटी मैंने क्या कर ली? बैंक लोन बना लिया। तो मैं अपने इस कस्टमर को कहूंगा, इस डेटर को कहूंगा कि भाई तू ये लायबिलिटी को बैंक लोन के साथ क्या कर दे? सेट ऑफ कर दे मुझे ना पैसे कल। क्लियर हुई बात? अब मैंने बैंक से लोन ले लिया, 791589 लोन ले लिया। आप लोगों ने डेट फैक्टरिंग पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थ्योरी के सब्जेक्ट में पढ़ा होना चाहिए। पढ़ी हुई है? नहीं, बीकॉम नहीं, बीकॉम छोड़ दे, बीकॉम हाई लेवल है। कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़े आपने? बेसिकली ये बुक में नहीं लिखा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ऑनलाइन वाले। अगर आपको लगे मैं गलत बता रहा हूँ तो माफ कीजिएगा मुझे। होता क्या है, आपने मेरे 10 लाख देने हैं, आपने मुझसे एसी खरीद ली है, 10 एसी, मुझे 10 लाख की मैंने इनवॉइस बना के आपको दे दी, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने मुझे 2 महीने बाद पैसे देने हैं। मैं आपकी इनवॉइस को पकड़ूंगा, नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवाऊंगा, स्टैंप लेके जाके मैं बैंक के पास चला जाऊंगा। मैं बैंक को कहूंगा, देखें जी ज़ियाउर रहमान एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें भाईजान 10 लाख रुपया मेरा देना है, लेकिन 2 महीने बाद देना है। तो सर बराए मेहरबानी आप एक काम करें, ये पैसे ये पकड़े 10 लाख की इनवॉइस पकड़े, इसके नोटरी पब्लिक का बिल लगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया पूरा का पूरा, ठीक है? इसके साथ एक स्टैंप पेपर भी लगता है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ज़ियाउर रहमान साहब के साइन हो गए, स्टैंप लग गई ऊपर, मुझे 10 लाख के ऊपर लोन दे दें। मुझे क्या दे दें? क्या बैंक लोन दे देगा? हाँ, क्योंकि उसके पास एक एसेट आ गया। वो एसेट क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? और मुझे क्या वो 10 लाख का 10 लाख लोन देगा? तब बैंक क्या करेगा? तब बैंक डिस्काउंट करेगा। वो एक्चुअली में मुझे कितने पैसे देगा? तकरीबन 9 लाख रुपया, 9,70,000। 30,000 रुपया वो अपना इंटरेस्ट काट लेगा 2 महीने का। समझ आई बात की? पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा होगा, इसे डेट फैक्टरिंग कहते हैं। ये है कॉन्सेप्ट वो वाला जो मनी मार्केट हेज में यूज हो रहा है, कि जब आप एसेट हो, जब आपके पास क्या है, एसेट है, सेंडी डेटर है, ठीक है? ये सेंडी डेटर है आपका, इसने आपको पैसा देना था,
आपने इसी का बिल लोग उधर अमेरिका बैंक में गए, अमेरिका बैंक में जाके आपको 7,91,589 का लोन दे दिया। अब ये बंदा 3 महीने के बाद अमेरिका बैंक को खुद पे करेगा कितना, 8 लाख। मैंने ये लेके घर आ गया, मैं मौज मस्ती शुरू कर दी। क्या इसको यूज करना मुनासिब रहेगा मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन कब डन होनी है, एक्चुअल एसेट मेरे गोडाउन में कब आना है, एक्चुअल उस एसेट को रिकॉग्नाइज मैं कब करूंगा, जब उसकी ओनरशिप और उसकी पोजेशन मेरे पास आएगी। अभी उसकी ओनरशिप और पोजेशन मेरे पास नहीं है। 3 महीने, तो मैं इसको 3 महीने के लिए क्या करूं? बेची हमें तो पैसे मिल गए ना, तो तो मिलने हैं 3 महीने के बाद, वो एसेट है ना मेरा। आपने उसको लायबिलिटी बना ली। अभी देखो ना, मैंने डेटर तो मेरे पास है ना, बैंक के पास जाके मैंने डेटर को सरेंडर कर दिया और मेरे पास क्या आ गया, करंट कैश, करंट अकाउंट, करंट एसेट आ गया मेरे पास, ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो गया। मैं आपको मशीन के परस्पेक्टिव से समझा रहा था। अब इस पैसे को क्या करूं, इस्तेमाल करूं? तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल ट्रांजेक्शन 3 महीने के बाद होनी थी, अभी तो नहीं होनी थी। मैं इसको अपने लोकल बैंक में क्या करूंगा, डिपॉजिट करवाऊंगा, क्योंकि भाई ये डॉलर है ना, ये 3 महीने बाद मिलना है। हाँ, ये तो अमेरिकन करेंसी में, अमेरिका में मिला होगा मुझे, यूके में नहीं मिला। सपोज करते हैं मैं इसको यूके में ले आया, ले आया आज की डेट पे, मैंने यूके के एक्सचेंज रेट पे इसको बेच दिया 1.7780, बेच दिया। चलो ये भी कर लेते हैं, बेच देते हैं। स्टेप टू, प्रिंसिपल अमाउंट। ओ सॉरी, सही है। अच्छा, डिवाइड क्यों कर रहा हूं, कोई बताएगा मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं? कुछ तो बताओ जाल में, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 182 से, यहां पे डिवाइड क्यों कर रहा हूं? मल्टीप्लाई होना चाहिए। बात को जरा गौर से समझते हैं, जरा गौर से समझो। द स्पॉट एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर पर वन डॉलर, सॉरी पर वन पाउंड इज 1.7780। भाई एक डॉलर अगर खरी, एक पाउंड अगर खरीदना है, उसने रिवर्सल दिया हुआ है, क्या खरीदना है, एक पाउंड खरीदना है तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे, ये है इसका मतलब। अगर एक पाउंड खरीदना है, डॉलर नहीं खरीदना, क्या खरीदना है, एक पाउंड खरीदना है तो कितने डॉलर देना पड़ेंगे, 1.7780 डॉलर देना पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। पल्ले पड़ा कुछ? तो इसका मतलब अब हमारे पास ये डॉलर हैं, तो इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ पाउंड, क्योंकि पाउंड हैवी करेंसी है एज कंपेयर टू डॉलर। पाउंड क्या है, क्योंकि एक पाउंड को खरीदने के लिए मुझे 1.7780 देने पड़ रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो मैं डॉलर को लेके आऊंगा, मैं एक्सचेंजर के पास जाऊंगा, एक्सचेंजर एक्सचेंजर मुझे पाउंड दो, वो कहता है 1 पाउंड तेन 1.7780 देने पड़ेंगे। तो ये डॉलर ही है, ये पाउंड नहीं है, ये क्या है, डॉलर। तो मैं इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करूंगा, तो ज़रा कीजिएगा यार, मेरे पास GBP आ जाएंगे, मुझे ना वो यूरो साइन पाउंड साइन बनाना नहीं आता। 4452। चाहूँ तो इस पैसे को इस्तेमाल करूँगा, 4452 13। हाँ ठीक है, 4,45,213 रुपये इसको मैं क्या करूँगा, इंजॉय करूँगा, इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सामने एक और ऑप्शन भी है, वो कहता है प्यारे बच्चे अगर तू इसको डिपॉजिट करवा दे, कहाँ पे, बैंक में, इसी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवा दे तो तुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पक्की बात है? तो स्टेप थ्री में हम डिपॉजिट करवा के इंटरेस्ट अर्न करते हैं, फ्यूचर वैल्यू। देखो ये तीनों स्टेप वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया, ऐसे ही था, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट किया, अब फ्यूचर वैल्यू में जा रहे हैं। हाँ, कहीं पे भी अब अर्न कर सकते हैं, लेकिन डॉलर में भी अर्न कर सकते हैं, वो फिर एसेट बन जाएगा, फिर एक्सचेंज रेट का रोला, क्योंकि वी आर ब्रिटिश नेशनल, हमें तो करेंसी हमारे अकाउंट चाहिए थी ना, तो हम अपने मुल्क लेके आएंगे, अपने मुल्क की बैंक में जमा करवाएंगे 6.5 के हिसाब से। तो 4452 13 × 1+ कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा? ओ यार, एक तो ना ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है, आज इसको ख़त्म करते हैं।
ताकि ये ऐसी शाद बाद रहे। यार अली अब्बास बता कौन सा रेट लगेगा? लगेगा 6.5%, क्यों? क्योंकि हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। डिपॉजिट रेट लगेगा 3 मंथ 6.5, तो इसको पहले 3 महीने में निकाल लेते हैं इंटू 3/12 कीजिएगा 1.625%, तो इसका मतलब 0.01625 हो गया। कर दीजिएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, ऊपर माइनस वन नहीं आएगा क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, वो तो हमें पता है ना फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो या प्रेजेंट निकालनी हो। हाफिज रट्टे लगा रहा है बुक से, बुक पे ऐसे नहीं किया वो उसने। मैं बताता हूँ अभी बुक पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी वो दिखाता हूँ आंसर उसका, ज़रा जल्दी कीजिएगा टाइम ओवर हो गया। 452 448 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो एक्चुअली में हमें 3 महीने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इतने मिलेंगे 3 महीने के बाद। क्लियर हो गई बात? अगर मैं आपसे कहूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो और एक्सचेंज रेट निकालो, तो कैसे निकालोगे? स्टेप फोर में इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो प्यारे भाई कैसे आएगा? 452 448 हमें जो पैसे मिले, टोटल एसेट कितना था? 8 लाख डिवाइडेड बाय 452 448। तो कीजिएगा जरा, इसको मैं ना जरा प्यारा करके लिख देता हूँ। 8 लाख हमारा एसेट था जो हमें मिलना था 3 महीने के बाद, और 452 448 हमें मिल गए, सही है? कीजिएगा 1.768, ये हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा जीबीपी में, यानी कि एक अगर जीबीपी खरीदना हो तो हमें इतने डॉलर पे करना पड़ेंगे अगेंस्ट जीबीपी। वैसे स्पॉट रेट कितना है एक्सचेंज रेट का? 1.778, हेज करने के बाद कितना आया? 1.76, फायदा हुआ? कम है ना, ये फायदा हो गया ना, इसका मतलब हमारा नुकसान रुक गया। समझ आई बात की? ये है हेजिंग करना बुक के हिसाब से। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्लास का टाइम ओवर हो गया, आप लोगों ने घर जाना है, ये वाला क्वेश्चन खुद करके लेके आना है, ये वाला क्वेश्चन खुद करके लेके आना है, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ी देर तक आपको ये भेज दूँगा। हाँ वैसे फ़ोटो ले लें, नहीं मैंने ये कल बनाया बैठ के, ये भी कल बनाया, नीचे वाला भी कल बनाया है, ये मैंने वैसे ही बना लिया हुआ था लास्ट वीक में। हाँ बस 4.2 करना है, तू कर ले, मेरे लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है? उसको भी नोट कर लें, ये भी हो गया। तो ऑनलाइन वाला ज़रा देखिएगा, ये बुक पे इन्होंने जो किया हुआ है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टेप्स के अंदर, ठीक है? और आंसर 1.67682 वही सेम आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? इन्होंने 3 स्टेप में किया, मैंने 4 स्टेप में किया हुआ है, तो बेहतर है आप वैसे ही कीजिएगा 4 स्टेप में। कल इंशाल्लाह हम करेंसी फ्यूचर्स करेंगे, पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, आपने होमवर्क किया होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह करेंसी फ्यूचर्स करेंगे और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।